आप लोग देख सकते हैं कितनी गजब लग रही है ये। आप लोग यहाँ पे घर पे आराम से 150 से 200 के करीब में, आप उससे भी कम में बना सकते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं प्रेम आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ देसी इलेक्ट्रिक में। तो आज यहाँ पे मैंने आप सभी को दिखाया कुछ इस तरह का दिवाली लाइट, स्पेशल लाइट बनाना चाहते हैं। यहाँ पे दशहरा और दिवाली आने वाली है, तो कुछ घर को डेकोरेट करने के लिए आपको बनाना पड़ेगा आपको, या फिर खरीदना पड़ेगा मार्केट से। तो यहाँ पर हम बहुत ही कम दामों में यहाँ पर बनाने वाले हैं कि यहाँ पर LED लड़ी। तो यहाँ पर देखते रहिए आप, यहाँ पर आपको खरीदना क्या क्या पड़ेगा, आपको कहीं भी कोई भी शॉप पर मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक शॉप पर। यहाँ पर 3 मीटर के करीब तार ले लेना है, जितना सस्ता से सस्ता हो सके, और यहाँ पे कॉपर तार ले लीजिएगा आप। यहाँ पे स्टिक लेना पड़ेगा, जिसको यहाँ पे इसको बोल दीजिएगा कि यहाँ पे LED स्टिक देने के लिए जो लाइनिंग बैच चलता है, वो स्टिक आपको 5 को ले लेना। ये 15 से 20 रुपया के करीब में आपके मार्केट के अकॉर्डिंग में मिल जाएगा। यहाँ पे टैप आदि घर में हो तो टैप यही यूज़ कर लीजिए, घर में हो या फिर नहीं हो तो 10 रुपया का खरीद लीजिएगा। और यहाँ पर कोई भी एक 12 वोल्ट का चार्जर लेना पड़ेगा जी दोस्तों। यहाँ पर 12 वोल्ट का, जो कि कोई भी एम्पियर कितना भी हो, 0.5 या 1 एम्पियर या 2 एम्पियर 3 एम्पियर, आपके घर में कोई भी हो, 12 वोल्ट का चार्जर होना चाहिए। या फिर आप शॉप से ले सकते हैं, इलेक्ट्रिक शॉप से बहुत ही कम दामों में मिल जाएगा आपको। सबसे कम पावर का लीजिएगा तो आपको वही 100 के समथिंग में मिल जाएगा, यानी ये 150 रुपया में आपका बहुत ही गजब बनने वाला है, उससे भी कम में बन जाएगा आपके मार्केट के अकॉर्डिंग में। तो चलिए यहाँ पर शुरुआत करते हैं। यहाँ पर हमको कुछ यहाँ पे पहले कटिंग करना पड़ेगा वायर को, तो यहाँ पे मैंने 1/2 मीटर के करीब में दूरी दिया हूँ, ठीक है। यहाँ पे 1/2 मीटर पे लगाएंगे इसको 5 गो, यहाँ पे है जो स्टिक इसको, तो यहाँ पे हम कट कर लेते हैं यहाँ पे उस हिसाब से, ठीक है। तो कट करने के लिए आप कैंची का उपयोग कर सकते हैं या फिर कटर का उपयोग। यहाँ पे कुछ इस हिसाब से सभी तार को यहाँ पे क्लियर वाय काट लेना, और इधर भी हमको काटना पड़ेगा एक साइज के, तो एक साइज से यहाँ पे भी इसको हम काट देते हैं, ठीक है। आप तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से हो गया, तो इसमें अब हमको एक एक करके इसमें यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा इसमें, ठीक है। कुछ इस प्रकार से हम जोड़ के दिखाते हैं आपको, यहाँ से इसको हटा देना है, माइनस को माइनस कर दीजिएगा, प्लस को प्लस कर दीजिएगा, ठीक है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से छीनने के बाद यहाँ पे हम कोई भी तार को इसमें से लेते हैं और यहाँ पे इसको भी छीनते हैं। कुछ इस हिसाब से देखिए जोड़ने के बाद अब इसमें हमको करना देना है टैपिंग, ठीक है, जिससे शॉर्ट ना लगे, ठीक है। यहाँ पे देख पा रहे होंगे आपको, यहाँ पे दोनों जोड़ दिए हैं और यहाँ पे टैप हम कर देते हैं। यहाँ पे आपको टैप एक कोई भी ले लेना होगा। यहाँ पे टैप लग गया, तो कुछ इसी प्रकार से हर एक वायर में, जैसे 1/2 मीटर के वायर में मैंने लगाया, यहाँ पे देखिए ये इधर है तो यहाँ पे मैंने लगाया, तो यहाँ से अब इसको क्या करना होगा, ये दोनों तार को पहले हम जोड़ देते, ठीक है। हम देखिए कुछ इस प्रकार से, इधर प्लस में प्लस को जोड़ देना और इधर माइनस का माइनस में जोड़ देना, ठीक है। कुछ इस प्रकार से दोनों तरफ के जोड़ देना, ठीक है। कुछ इस प्रकार से दोनों तरफ को जोड़ देना, ठीक है। यहाँ पे देखिए कुछ इस हिसाब से, देख लीजिए यहाँ पे ये दोनों जो तार हैं, यहाँ पे मैंने इसको लगा के टैप मार दिया हूँ, ठीक है, इस स्टिक से, और इसी से स्टिक से तार जो आया है उसमें यहाँ पे जोड़ देना। अब इसमें ये दोनों में भी तार में एक स्टिक यहाँ पे जोड़ना होगा, ठीक है। और यहाँ पे इसको स्टिक जोड़ने के बाद आगे भी कुछ इसी प्रकार करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो दिखाते हैं, देखिए दोनों तरफ यहाँ पे कुछ इस प्रकार से जोड़ना होगा, ठीक है। यहाँ पे दोनों तार जोड़ने के बाद कुछ इस प्रकार से जोड़ना होगा, तो यहाँ पे हमको क्या करना है, यहाँ पे और यहाँ पे टैपिंग कर देना है। देखिए यहाँ पे टैप हो गया, तो कुछ इस प्रकार से लड़ी टाइप के बन गया, ठीक है। देखिए लड़ी टाइप का बन गया, यहाँ पे कुछ इस हिसाब से लटक जाएगा ये, ठीक है, और इधर भी एक लटक जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लटक गया और यहाँ भी लटक गया, ठीक है। अब आगे की ओर यहाँ पे जोड़ना होगा इसी प्रकार सेम टू। चलिए तो स्किप करके हम आपको पूरा जोड़ के दिखाते हैं।
तो यहाँ पे मैंने लास्ट यहाँ पे वायरिंग कर दिया और यहाँ पे कुछ इस तरह से तार निकाल दिया हूँ लास्ट में, ठीक है। यहाँ पे कुछ इस प्रकार से निकाल दिया, आपको जितना ज़रूरी होगा तार जितना जितना दूरी पर देना चाहते हो उतना तार ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने 2.5 मीटर लिया था तो 2.5 मीटर में पूरा हो गया, ठीक है। कुछ इस तरीके से देखिए बन गया है यहाँ पे पूरा ही पूरा LED। तो यहाँ पे हम चेक कर देते हैं पहले, उसके बाद यहाँ पे दीवार पे भी लगा के आपको दिखाएंगे। तो पहले कुछ इस प्रकार से हमको चेक करना होगा यहाँ पे, तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे पहले इसको थोड़ा छील देते हैं, ठीक है। छीलने के बाद यहाँ पे हमको करना पड़ेगा इसमें, ये अंदर का प्लस होता है, ठीक है। इसका आपको टोचन पिन भी मिल जाएगा, नहीं तो ऐसे भी ले सकते, इसमें टैप मार दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका प्लस पॉइंट होता है, इसमें प्लस नहीं लगा दीजिएगा, और ये इसका माइनस पॉइंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे करने के बाद हमको इसमें टैप मारना होगा, इसको थोड़ा खोल लेते हैं, ठीक है। इसको खोलने के बाद तार हो जाएगा थोड़ा बड़ा, तो यहाँ पे हमको करना पड़ेगा टैपिंग। तो इधर हम इधर एक प्लस का दीजिए, इधर माइनस का दीजिए, जिससे साउंड ना लगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमको करना पड़ेगा टैप, यहाँ पे टैप निकालते हैं और यहाँ पर लगा देते हैं, तो कुछ इस प्रकार से लगा देना है टैप जिससे निकले ना, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लगा दिया हूँ, तो यहाँ पे पहले चेक करते हैं, उसके बाद यहाँ पे लटकाएंगे इसको बोर्ड में, ठीक है। यहाँ पे कुछ इस हिसाब से यहाँ पे मैं लगाता हूँ इस बोर्ड में, ठीक है। यहाँ पे देखिए कुछ इस हिसाब से पूरा कितना गर्दा लग रहा है, ठीक है। जो भी LED है सभी भी गर्दा लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे है, तो कुछ इस हिसाब से इसका हम कर दिए फुल कनेक्शन। इसको हम वॉल में लटकाते हैं, देखिए चार्जर में भी यहाँ पे लाइट जल रहा है, ठीक है, चार्जर में भी जल रहा है। तो यहाँ पे कुछ इस हिसाब से है, तो इसका आज दीवार में लगाते हैं, फिर उसके बाद करते हैं, ठीक है। क्या पूरा रात कर देते हैं, क्या अच्छा लगता है, कैसे लगता है पता नहीं, देखते हैं नाइट को करके, ठीक है। देखिए कितना अच्छा आ रहा है, तो यहाँ पे हमको लगाते हैं वॉल पे, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे कुछ इस तरह से आपको लगा देनी है वॉल पे, कोई भी वॉल पे, ठीक है। उसके बाद आपको जैसे लगाना होगा लगा सकते हैं। यहाँ पे हम चेक करने वाले हैं आप सभी को, तो देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से यहाँ पे हम देते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लाइन देते हुए यहाँ पे देखिए कुछ इस प्रकार से आपको लग रहा है, कुछ कितना गजब लग रहा है देखिए कुछ। और यहाँ पे लाइटें ऑफ करने के बाद कितनी अच्छी लगती है, लाइटें ऑफ देखिए, उसके बाद आप लोग देख सकते हैं कितनी गजब लग रही है ये। आप लोग यहाँ पे घर पे आराम से 150 से 200 के करीब में, आप उससे भी कम में बना सकते हैं। जितने ज़्यादा आप लड़ी लीजिएगा ये LED स्टिक, उतना अच्छा आपका बनेगा। जिस तो यहाँ पे हम 5 LED स्टिक लिए हैं, तो इतना अच्छा लग रहा है, तो आप समझ सकते हैं जितना ज़्यादा लीजिए मात्र 15 से 20 रुपये का स्टिक पड़ता है। और तार मात्र एक समझिए एक एक बित्ता का लगेगा, इसमें ज़्यादा नहीं लगाना होता, हम 1/2 मीटर दे के ज़्यादा कर दिए, तो इसको छोटा कर दिए यहाँ पे, तो देखिए कितना अच्छा लगता है। तो चलिए यही दिखाने थे आप सभी को, तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।